पार्टी के लीडर की ओर से आपत्तिजनक टिप्पणी की निगरानी का रिवाज शुरू होता है और जिसका एक इंटरनेशनल डायमेंशन भी है। क्या चीज के बारे में? वो एक टीवी रूलिंग पार्टी के लीडर हैं नितिन शर्मा, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ टिप्पणी की थी, उसको लेके विवाद शुरू हुआ और इंटरनेशनल इसका रिपरकशन है। कई मुस्लिम कंट्री ने भारत सरकार को उसका विरोध जताया है। अरे ये तो सब न्यूज़पेपर में छपाई हुआ है, तो उसने किया तो पार्टी ने तो एक्शन ले ही लिया था। देखिए कुछ चीज़ों के बारे में और उसके बाद भी कहाँ कहाँ बहुत जगह हुआ, आपको यहाँ भी कुछ जगहों पर कहीं कहीं कोई प्रदर्शन हुआ, तो हमने तो उसी दिन सब अपने अधिकारियों को बुलाया कि ज़रा इस बात को देख लीजिए। और बिहार में तो बिल्कुल कोई कहीं इधर से उधर बात नहीं रहती है, लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, तो अगर कोई बात हो गई है तो पूरी बात को देखिए कि अगर मामला क्या है। तो जो कुछ भी किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया तो उस पर तो कोई एक्शन हो ही गया, और कहा ही है केस तक FIR भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद भी अगर इस तरह की कोई बात हो रही है तो इस पर ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। देखिए कभी कभी आप चाहे जितना भी करिएगा ना, कुछ लोग हमको तो लगता है कि ज़रा कुछ जान बूझ करके आपस में झगड़ा करना चाहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि स्वाभाविक रूप से कोई चीज़ हो। तो जब इस बात को लेकर के एक्शन भी किया, सब कुछ किया, तो फिर इस तरह से क्या करने की ज़रूरत है? इसलिए हम तो इसके भाई हमको तो आश्चर्य होता है। और अपने बिहार में चूँकि एक ही दिन 10-11 जगह कई जगह पर लोग को जुलूस निकाला, क्या निकाला, वैसे ही शाम में जैसे ही जानकारी हुई और हम रिव्यू कर रहे थे दूसरे मामलों का, और उसी दिन शाम में जब पता चला तो फिर हमने फिर अधिकारियों को बुलाया, यहीं पर हैं ही सब, चीफ सेक्रेटरी हैं आपके, DGP, सब लोगों को बुलाया और कहा कि तत्काल देख लीजिए कि कहीं कुछ नहीं हो। तो खैर बिहार में तो वो सब स्थिति ठीक है, नॉर्मल है, तो इसलिए इन सब चीज़ों को ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रभावित करना ठीक नहीं। कितना भी करते रहिए तब भी कुछ ना कुछ तो झगड़ा करवे करेगा आपस में बिना मतलब का, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हो ही कुछ। और यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि कैसा माहौल है, ऐसा तो कोई माहौल नहीं है यहाँ, किसी तरह के विवाद का कोई माहौल नहीं है। और यहाँ के लोग भी, और दूसरी बात है यहाँ का प्रशासन, पुलिस, सब इन सब बातों को लेकर के सक्रिय रहता है, इसलिए अंदरूनी बातचीत है ना, ये तो होगा तभी ना सामने आएगा। अभी तो किसी चीज़ के बारे में कोई बात आई नहीं है कि कौन कैंडिडेट होंगे, किस तरफ से कौन कैंडिडेट होंगे, कोई बात तो अभी आई नहीं। वो देखिए क्षमा करिए, उसको मत छापिए बिना मतलब की बात, न मेरी कोई इच्छा है न मेरा कोई है, कौन क्या बोलते रहता, आज से बोल रहा, कई महीना पहले चला एक बार, कभी कुछ चला देता है कभी कोई चला देता है, हम लोगों की कोई दिलचस्पी इन सब चीज़ों में नहीं, हम पहले कह चुके आप लोगों को, आप कोई हमको बीच में मत ला करके मत पूछा उछा करिए, छोड़िए उसका कोई मतलब नहीं। नहीं तो गलत कर दिया ना बेमतलब का, वो भी पूरा नहीं दिया, फिर बाद में सब आई नहीं ये सब छोड़ कोई मतलब नहीं, सब की सब पूछने से क्या मतलब, उन लोग तो भी यही लोग फंसा लेते हैं, कृपा कर दी पूछते पूछते वो सब से कोई मतलब नहीं है। और अभी कुछ दिन के बाद अलग अलग पता चलेगा ना कि कौन कहाँ से कैसे, तो राय विचार तो होगा ना, तभी तो वो दौर भी नहीं आया, तो हो जाएगा उसमें ना पता चलेगा, इसलिए होगा। एक प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनाउंस हुआ 2030 की, लेकिन सर उसमें बिहार में कुछ देखने में आ रहा है कि कठिनाइयां आ रही है, खासतौर से उसमें प्राइमरी एजुकेशन में है कि मदर टंग में होना चाहिए। एक बात जरा जान लीजिए शिक्षा के बारे में, ये बहुत पहले कानून बना सेंटर में का, हम लोग उस समय थे खुद ही MP और उस समय का ये बना हुआ है और उसी के मुताबिक यहाँ पर काम चल रहा है जो बना हुआ है। कोई नया कोई बन जाए तो कोई जो बना हुआ है कानून उसको देख करके उसी के हिसाब से यहाँ पर चल रहा है, चाहे पंचायत का हो या नगर निकाय का हो, इनको जो अधिकार दिया हुआ वही चल रहा है। तो इसलिए जब वहाँ से कोई बात आती है तो यहाँ से पूरी बात लिख करके भेज दिया गया और आपको पूरा विस्तृत रूप में ही बता देंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ आ जाएगा तो भाई कहना ना पड़ेगा कि भाई कैसे करेंगे,
कोई भी चीज़ करेंगे, अब कौन करता है रिक्रूटमेंट? अपॉइंटमेंट करने का पावर किसको दिया गया? तो जो अपॉइंटमेंट करने का पावर जिनको दिया गया है तो अपॉइंटमेंट तो ही करेगा, बाकी सब चीज़ों को तो देखा जाता है। तो अगर उस समय से पहले से जो तय हो गया कि तीनों स्तर का जो हम लोगों के यहाँ है पंचायत में या नगर निकाय में और उनके माध्यम से जो हो रहा है, तो अगर कोई नया कानून बन जाए और उसके हिसाब से फिर से राज्य सरकार को के हाथ में ये बात आ जाए तो उस समय बात हो। अभी तो हम लोग इसलिए इस बात को छोड़िए, अब कौन क्या करते हैं, सबका अपना अपना इच्छा होता है, उसमें हमको कुछ नहीं करना। नहीं नहीं, वो बात कर रहे हैं हमारे, ये झारखंड के डीजीपी साहब से लगातार कांटेक्ट में हूं और सारे बात कर रहे हैं। अरे ये बात जैसे ही खबर आई है वैसे ही ये लोग अलर्ट हुए हैं, तुरंत सब लोगों से बातचीत की, सब देख रहे हैं वहाँ भी कर रहे हैं, गिरफ्तारी भी नहीं नहीं तीसरे तो यहाँ से तो अधिकारी बात कर ही रहे हैं, दिखना चाहिए कहीं कोई कार्रवाई होती है, सरकार का काम है। हम लोग तो हम लोगों के यहाँ कोई घटना होती है तो तुरंत कोई भी निष्क्रिय नहीं रहता, तत्काल कार्रवाई होती। अगर वहाँ कुछ हुआ है, यहाँ के एक मंत्री के साथ हुआ है, तो यहाँ से तो सारी बात कही गई है, ये उनका दायित्व तो बनता है कि सब चीज़ को देखें। और नियम क्या कहता है, नियम 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 क्या कहता है, किसी के साथ इस तरह का कोई दुर्व्यवहार करना अच्छी बात थोड़ी है, वो ठीक नहीं। और देखिए हम लोगों का जो मंत्री है यंग है, अब उसके साथ कुछ इस तरह की बात हो, इसलिए तत्काल वहाँ सारी बातें की गई है, कही गई है, देखने के लिए वो सारी बात कही गई है, सब बात लोग उसके लिए सक्रिय हैं, सब देख रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव का तारीख का ऐलान हो चुका है, तो ये सरकार की ओर से हमेशा प्रयास किया जाता है कि सर्वसम्मति हो जाए, इसके चुनाव ना हो, लेकिन कभी कभी सफलता मिलती है, कभी कभी चुनाव होता है, ज़्यादातर चुनाव होता ही है। तो इस बार चूँकि पिछले दो राष्ट्रपति के चुनाव में आप जैसे अपने अपने तरफ से कोशिश किया कि वो पार्टी लाइन ना हो, आप जिस गठबंधन में रहे उससे अलग होकर आपने निर्णय लिया, आप तो सब जानते ही हैं कि हमारी पार्टी ने पिछले दो बार में तो जहां भी था हम जहां थे उससे अलग को दिया, जो हमको पसंद आया, जो वोट आया। तो अभी तो कोई नौबत नहीं आई है, अभी तो ऐसा कुछ आया नहीं है, अभी तो कहीं से कोई कौन उम्मीदवार होंगे, एक ही होंगे कि अनेक होंगे, कोई बात तो हुई नहीं है। और हमको नहीं लगता कोई वार्तालाप है, कोई बातचीत भी है, अभी तक तो किसी भी प्रकार का दृश्य नहीं। अरे तो जिसका जो अपना काम है करे ना, तो उसमें क्या दिक्कत है, ये सब तो न्यूज़पेपर में रखा ही रहता है तो देखते ही रहते हैं। लेकिन कोई जो भी बात लोग कर रहे हैं तो बात तो सामने ना आएगी कि कौन कहाँ से है। और अभी जो हम लोग एनडीए में हैं तो इसकी तरफ से कौन आएगा, एक आएगा कि फिर इसमें कोई होगा, तो ये सब बात तो आगे की ना बात है, अभी तक तो कोई बात नहीं आई, इसलिए अभी उस पर प्रतिक्रिया क्या व्यक्त करना। अभी संभावना क्या, अभी कोई बातचीत अपना अंदरूनी बातचीत।